राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेके बैंक पीओ क्लर्क एक्सपेक्टेड कटऑफ 2019। सभी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सबका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस खास वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए पूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि जीके एजुकेशन चैनल कंप्लीट इन्फो कंप्लीट वॉच, लेट्स बिगिन। और दोस्तों, जीके एजुकेशन चैनल के दो गोल्स हैं जिसको अचीव करने में आप सभी लोगों की हमें मदद चाहिए, क्योंकि आपकी मदद के बाद vivaro.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है और अच्छी बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। तो इन्होंने देखिए जेके बैंक कट ऑफ पीओ के लिए सबसे पहले बताया है, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज पहले दी है, फिर ओवरऑल कट ऑफ जनरल के लिए इन्होंने बताया 65 से 70, जैसे जॉबरिया ने बताई थी। ओबीसी की बात करें तो 40 से 45, एससी की बात करें तो 37 से 42 नंबर में ही सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो डोंट फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। एसटी की बात करें तो 32 से 37 नंबर भी बनने हैं, तो आप मेंस के लिए बुलाए जाओगे। अब बात करते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क की बात करें तो जनरल में 70 से 75 की कट ऑफ हो सकती है, ओबीसी की बात करें तो 40 से 45, और एससी की बात करें तो 37 से 42, और एसटी की बात करें तो 32 से 37 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप मेंस के लिए बुलाए जाओगे। तो अगले चरण की आप तैयारी करें जोरदार तरीके से। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट वीडियो। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क के बनते हैं और 20 मिनट का टाइम अलग से दिया जाता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का टाइम इसमें भी आपको मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर एंड 60 मिनट का पेपर होता है। क्लियर आप पेपर पैटर्न का। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। तो नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए। तो दोस्तों, अगला एक्सपेक्टेड कट ऑफ है mockbank.com की अच्छी खासी वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने बताई है, देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए इन्होंने 35 में से कितने नंबर बताया, 14 से 21 नंबर का कट ऑफ जा सकता है। इंग्लिश की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन आता है, 15 से 23 नंबर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 में आपके 16 से 22 नंबर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बाई अकॉर्डिंग इन्होंने कहा ओरिजिनल से +5 या -5 आप कर लेना, इतना ही अंतर होने वाला है। अब इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा करीब करीब आपको 45 से लेकर के 21 23 44 44 22 66, है ना। तो करीब 45 से लेकर के 65 का कट ऑफ इनके अकॉर्डिंग जा सकता है। तो अपना स्कोर जरूर हमसे साझा करें, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा हमारे खुद के चैनल का, आपकी कमेंट के बेस पर हम कट ऑफ बनाने वाले हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ और प्लीज कमेंट योर स्कोर। तो नेक्स्ट कट ऑफ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये रहा जेके बैंक का प्रोसीजर, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, ये स्टेप वाइज पड़ा हुआ है, आप इसको देख लें, मैंने जानकारी के लिए रखा है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लास्ट वेबसाइट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का। तो इसको डिस्कस करने के बाद वीडियो के अंत को पड़ाव को पार करेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देख लीजिए बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2018.in के हिसाब से जेके बैंक पीओ की बात करें तो देख लीजिए, यू आर की बात करें तो 69 से 74, ओबीसी की बात करें तो 68 से 70, एससी की बात करें तो 60 से 68, और एसटी की बात करें तो 60 से 65 की कट ऑफ बाई अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम की रहने वाली है। तो सबसे बेस्ट कट ऑफ आपको किसकी लगी, आपको कमेंट करना है, अपना स्कोर हमसे साझा करें। जीके एजुकेशन चैनल क्योंकि अपने खुद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देगा जेके बैंक पीओ एंड क्लर्क के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अपना स्कोर बताएं कमेंट करें, और सबसे बेहतरीन कट ऑफ किस वेबसाइट की थी कमेंट करें। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ चैनल। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।